और अब बात जयपुर की करेंगे, जहां पर आयकर छापेमारी अंतरिम चरण में है। बगरू और दूदू में कार्रवाई समाप्त हो गई है और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जयपुर में भी कुछ ठिकानों से अब आयकर अधिकारी लौट रहे हैं। आज देर शाम तक समाप्त हो सकती है राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की ये कार्रवाई। विशाल बंसल कारोबारी समूह से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। सी स्कीम, एमआई रोड, बनी पार्क, जवाहर नगर, चित्रकूट, बगरू, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया और दूदू समेत कई क्षेत्रों में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। तो विशाल बंसल का अक्षत त्रिशला, महावीर मार्ग स्थित फ्लैट और गणपति प्लाजा स्थित कार्यालय है। आयकर छापे में लाखों की नकदी और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आयकर अधिकारियों के हाथ लगी है 6 लॉकर्स की चाबियां। फिलहाल कोई लॉकर नहीं खोला गया है, बाद में ये लॉकर खोले जाएंगे। मंगलवार से आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा छापेमार कार्रवाई बंसल समूह पर कर रही है और अब माना जा रहा है आज ये छापेमार कार्रवाई का समाप्ति का दिन हो सकता है। लगातार कई दिनों तक चली इस छापेमार कार्रवाई में लाखों रुपया ज्वेलरी बरामद हुई है। हमारे सहयोगी विमल जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, बंसल समूह के ऊपर गाज गिरी, आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, तो इस छापेमार कार्रवाई में आयकर विभाग को बहुत कुछ हाथ लगा, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, पूरी छापेमारी कार्रवाई के अंदर 30 लाख रुपए की नकदी और इसके अलावा लाखों रुपए मूल्य की ज्वेलरी के अलावा प्रॉपर्टी में निवेश से संबंधित कुछ दस्तावेज इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगे। और ये जो कार्रवाई 10 ठिकानों पर जारी हुई थी, ये कार्रवाई अब अपने अंतिम चरण की ओर है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज गुरुवार शाम को ये कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। कल बुधवार देर रात तक इनकम टैक्स अधिकारियों ने इन समूह के जो कर्ताधर्ता इन लोगों के बयान लिए और उम्मीद अब यही की जा रही है कि जो बयान लिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो इनकम के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है, इसके ऊपर सहमति बन जाएगी और आज इस कार्रवाई को मुकम्मल रूप से समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। और क्योंकि इस शाम को कार्रवाई समाप्त होगी, इसलिए पूरी काली कमाई का कितना खुलासा होता है ये जानकारी शाम को ही पता पड़वाएगी। जी बिल्कुल विमल, आप क्या क्या खुलासे इस कार्रवाई में हुए हैं ये पता चल जाएगा, लेकिन ये गाज गिरी क्यों, क्या कारण रहा बंसल समूह के ऊपर ये गाज गिरने का, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, बंसल समूह के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि इस समूह की ओर से जो आयकर चुकाया जा रहा था वह आयकर विभाग की दृष्टि में अपर्याप्त था। इसके अलावा आयकर विभाग को इस तरह की सूचनाएं भी थी कि इस समूह की ओर से अपने कारोबार को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था, इसके लिए सर्कुलर ट्रेडिंग का उपयोग किया जा रहा था। और ये बात प्राथमिक जांच के अंदर सही साबित होने के बाद में इनकम टैक्स अधिकारियों ने बंसल समूह, इसके प्रमोटर मिस्टर विशाल बंसल हैं, इनकी पत्नी और इनके अलावा इनके जो करीबी कारोबारी सहयोगी है, इनके 10 ठिकानों पर आयकर छापेमारी शुरू की। चलिए, शुक्रिया विमल आपका तमाम जानकारियों के लिए।